हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जिम कब लगाया जाए। जैसे कि कोई भी बिगनर जिम में जाता है तो सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि जिम कब जाऊँ, मॉर्निंग जाऊँ, इवनिंग जाऊँ, या दोपहर में जाऊँ। देखो, ये जिम ट्रेनर कई दिमाग में ये बात डाल देते हैं, सुबह आओगे तो ज़्यादा फैट लॉस होगा, शाम को आओगे ज़्यादा मसल बिल्ड होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जैसे किस टाइम ज़्यादा मसल बिल्ड होते हैं, किस टाइम ज़्यादा फैट लॉस होती है, किस टाइम जिम लगाना ज़्यादा सही है, इन क्वेश्चंस के सभी के आंसर देंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम ऑफ जिम क्या है। आज की वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बीचकार में बिल्कुल भी जस्ट स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, जो लोग मॉर्निंग में जाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो इवनिंग में जाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग की लेके चलते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग का सबसे पहले जब हम उठते हैं, हमारा माइंड और मसल फुली रिलैक्स होते हैं। जैसे कि पूरा रेस्ट किया बॉडी ने, मसल रिलैक्स किया, फुली फुल एनर्जी होती है। सुबह सबसे ज़्यादा फायदा तो इसी चीज़ का है, जब हम मॉर्निंग जिम जाते हैं तो मसल फुल रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि हमारी बॉडी जब उठते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा लो होता है, कैटाबॉलिक स्टेज में होती है हमारी बॉडी, और फैट बर्न करने के लिए वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों ने फैट लॉस करना है उनके लिए ये माना जाता है। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ राइट थ्रो और कुछ साइंटिफिक लॉजिक हैं ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो ठीक है, जो बुक स्टडी के बाद ये पॉइंट्स मैंने देखे हैं, ठीक है। और जो मैं बाद में आपको ये बताऊँगा कि मैं क्या फील करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और रिव्यू क्या है वो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो फैट लॉस करते हैं जो सोचते हैं कि खाली पेट है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ भी लाइट ऐसे पानी वगैरह पी के चल गए तो कार्डियो करते हैं, वो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में। और अब बात करते हैं इवनिंग की। इवनिंग में देखो, सबसे फ़ायदा यह है कि हम फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं, फुल डाइट खाया हुआ हमने, फुल डे एनर्जी लोड है, कार्ब फुली लोड है, तो एनर्जी मसल में बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम, और टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जो हाई होता है इवनिंग को। तो मसल बिल्ड करना है, जिन लोगों ने वेट गेन करना है वो टाइम उनके लिए सही है, जो लोग सोचते हैं। और इवनिंग, और सबसे पहले भाई मैं एक बात जरूर बता दूंगा कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम सेट करने का दूसरा कारण हो रहा है एक लोगों का कि टाइमिंग इशू है, वो बात अलग है। जिसको टाइम मॉर्निंग सेट बैठता है वो भी बेस्ट है, लेकिन इवनिंग टाइम है जो, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। पर दोस्तों, मैं आपको मैं बात बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस की, जो मैंने फील किया है आज तक के मेरे जिम टाइम में, जो जो फील किया मैंने सभी टाइम जिम लगाया है। मॉर्निंग में भी किया है, 11 बजे, दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, शाम को, रात को 11, रात को 11 बजे तक सभी टाइम मैंने जिम किया है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जिम का टाइम वो है जो आपको शूट करता है। शूट करता है मतलब जिस टाइम में आप अच्छा फील करते हो, जब आपकी एनर्जी पूरे डे में फुल एनर्जेटिक हो, जब आपका मन करे कि यार बस मैं अब फाड़ दूंगा, वो टाइम आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है। उस टाइम जिम जाओ, क्योंकि जिम यार कोई ये अपना कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है कि मैंने करना ही करना है यार इतने तो इतने बजे तक, जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन हाँ, टाइम एक ही होना चाहिए, कॉन्टीन्यूटी हमेशा एक टाइम की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है उस टाइम की। ऑटोमेटिक हमारी बॉडी उस टाइम पर, हमारा जो ब्लड फ्लो है और हमारी बॉडी उस टाइम में हमको मोटिवेट करेगी, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। टाइम एक ही रखें, ज़्यादा फ्लक्चुएशन टाइम में ना आने दें, लेकिन टाइम अपनी मर्जी का, मॉर्निंग रखो, इवनिंग रखो, आपके काम के, वर्क टाइम, स्टूडेंट हो, आपके स्टडी टाइम के हिसाब से आप कोई भी टाइम हिट कर सकते हो। लेकिन टाइम वो होना चाहिए जब आपको वर्कआउट लगा के फुल मज़ा आ जाए, भी बस जब आप वर्कआउट ख़त्म करो भी बस ये मुँह से ये आवाज़ आनी चाहिए, बस यार मज़ा आ गया, ठीक है। सेटिस्फेक्शन फुल होनी चाहिए। और देखो, मैं आपको बोल दूं, लेट्स सपोज कि यार जो फैट लॉस करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाओ, 4 बजे जाओ, खाली पेट जाओ, लेकिन आपसे उठा जा नहीं रहा, आपसे जिम जा ही नहीं पा रहे आप जिम, और जा भी रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा लेजी हो रहे हो, खुल के वर्कआउट नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं यार, आप जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं इवनिंग को ही जाओ, कि शाम को मसल बिल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आधे लोग ऐसे भी हैं जो इवनिंग को नहीं जा पाएंगे, उनका शेड्यूल सेट नहीं आता। तो मेरे भाई, कोई भी टाइम हो कोई इशू नहीं है, पर मेन बात इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मज़ा आना चाहिए जिम लगाने में, आपको वो काम ना लगे, आपका पैशन, आपका फुली इंटरेस्ट उस टाइम एक घंटे में, एक डेढ़ घंटा, 45 मिनट जितने वर्कआउट करते हो, आपका 100% दिमाग, बॉडी वहीं पे होनी चाहिए,
सबसे, ये बात सबसे मैंने तो फील किया है अभी मेरे जिम लाइफ में, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखो एक बात का हमने खास ख्याल रखना है कि जिम कभी भी खाली पेट नहीं जाना है। जो लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं वो सीधा बेड से उठे पानी पिए और जिम चल गए, ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना है। जो देखो वेट गेन कर रहे हैं, जो मसल बिल्ड करना है जिन्होंने, है ना, वो लोग जिम जाने से 45 मिनट पहले, एक घंटा पहले कुछ खा लें, कुछ कार्ब खा लें, ठीक है। और जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो कुछ फ्रूट खा लें, एप्पल बनाना जो भी आपको अफोर्डेबल हो फ्रूट खा लो, लेकिन खाली पेट जिम में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मैं एक बात आपसे सुजेशन चाहिए मेरे को, जैसे कि मैं रिसेंटली वीडियो डाल रहा हूँ और भी आगे बहुत सी वीडियो आएंगी, मेरे आपने कमेंट करके बताना है कि वीडियो की ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं उस चीज़ को क्लियर करने में पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।